नमस्कार, आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है क्रेजी म्यूजिक बाय दिवाकर। तो आज हम एचपी फार्म बनाने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट में, तो चलो शुरू करते हैं। पहले आपको माइनक्राफ्ट ओपन करना है। माइनक्राफ्ट ओपन होने के बाद क्रिएट न्यू नॉर्मल तो गाइस आपको हॉपर चाहिए, 4 हॉपर। Cobble stone and cobble stone slab. Or 2 chests. आपको 2 गड्ढे खोदने में वहाँ पे chest लगाते हैं और यहाँ पे crouch करके ऐसी लगा दो आप कोई बात नहीं। ऊपर इसलिए ताकि जो मॉब है अगर वो कोई ज़रूरी सामान ड्रॉप करेंगे तो वो ऊपर खींच के उन पर आ जाएंगे। आपको ऊपर इसके स्लैब लगा देनी है। यहाँ पे आपको ऊपर ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है कि जो मॉब वहीं पे आ गया। और इसके नीचे के ब्लॉक हटा देंगे और आप यहाँ से उन्हें मार सकते हैं। तो गाइस यहाँ से आपको 22 ब्लॉक्स ऊपर ले जाना है। 22 ब्लॉक्स तो मैं आपको 22 ब्लॉक्स ऊपर करने के बाद मिलता हूँ। तो गाइस अब आपको यहाँ से 8 ब्लॉक्स दूर ले जाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो इसी आपको चारों साइड कर देना है।
तो गाइस मैं आपको यहाँ से छत कंप्लीट होने के बाद मिलता हूँ। सो 1 2 3 गाइस फिलहाल के लिए तो मैं यहाँ पे लाइट लगा दे रहा हूँ चालू के लिए। तो आपको चाहिए 4 बाल की बोतल की। तो यहाँ पर कोई गड़बड़ हो गई दिख रही है, कोबाल्ट स्टोन लगा देते हैं। तो आपको छत के ऊपर भी लाइट लगा देनी है ताकि छत के ऊपर ज़ॉम्बी स्पॉन ना हो। खूब सारी टॉर्च लगा देनी है। साइड में भी लगा देनी है, साइड में रहने दे। तो गाइस देखो ज़ॉम्बी आना शुरू हो गए हैं। तो मैं सर्वाइवल में चला जाता हूँ।
जैसा कि आप देख सकते हैं मुझे अनलिमिटेड, और यहाँ पर भी पानी शुरू हो गए। गाइस ऐसी आपको अनलिमिटेड बीप मिलती रहेंगी। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। अगर आप ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलें। बाय गाइस।